हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। माय चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सीताफल की सब्जी, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो यहाँ पे मैंने सीताफल कुछ इस तरीके से काट लिया है, और यहाँ पे लिया मैंने लहसुन, मिर्ची, पचफोरन, नमक और हल्दी। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रखा है, कढ़ाई गर्म मतलब तेल गर्म हो चुका है। हम इसमें डाल दे रहे हैं पचफोरन, और इसके बाद डाल देंगे हम लहसुन। लहसुन हो गया लाल, तो इसमें हम डाल रहे हैं मिर्ची। छोटे बर्तन से भरेंगे ताकि ये जो है जल्दी से गल जाए, और आँच को थोड़ा कर देते हैं धीरे। तो 5 मिनट हो चुका था, तो हमने इसको खोल दिए हैं, और इसमें से पानी निकल रहा है। और चाय इसको इस तरीके से फोड़ दीजिए ताकि अच्छे से ये गल जाए। इसको हम थोड़ी देर के लिए और ढक देते हैं। तो 5 मिनट हो गया है, तो ये सब खोल के फिर से देखते हैं पक गया है कि नहीं। तो ये देखिए, ये पक गया है, पानी बहुत छोड़ गया है। और हम गैस को तेज कर देंगे, इसका जो पानी है ना वो अच्छे से सूख जाए। अच्छे से चला लेंगे। देखिए, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। इसको हम लगातार इस तरीके से चलाते रहेंगे ताकि ये इसे पकड़े ना। इसी तरीके से मैंने बनाया है, और इसकी पानी खूब अच्छे से खा लेना है। ये देखिए, इसका पानी अच्छे से अब सूख गया है, तो हम गैस को कर देते हैं ऑफ। तो ये देखिए, हमारी सब्जी बनके हो गई रेडी। इसको पूरी या पराठा के साथ खाओगे तो बहुत ही अच्छी लगती है, रोटी के साथ भी खा सकते हो। सो मेरी वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।